IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार को पीछे छोड़कर अब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद और तेज कर दी है और राज्य में पीडीपी के साथ बीजेपी गठबंधन की सरकार गठन की कोशिशें दिसंबर में आए नतीजों के बाद से ही शुरू हो गई थी। दरअसल दोनों में बातचीत दो अहम मुद्दों पर अटकी थी। पहला मुद्दा था धारा 370 का और दूसरा मुद्दा था AFSPA का, यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का। अब सूत्रों ने बताया है कि पीडीपी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि AFSPA को राज्य के शांति वाले क्षेत्रों से हटाने और धारा 370 पर बीजेपी के रुख में बदलाव को लेकर अपनी शर्तें रखी है और इसी पर अंतिम बातचीत आखिरी दौर में है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने शाह को जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की कोशिशें तेज करने और गठबंधन में आ रहे गतिरोध को दूर करने के लिए तेजी से काम करने को कहा है। बीजेपी और पीडीपी में न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर सहमति लगभग बन गई है और बातचीत के लिए अभी दरवाजे खुले हैं दोनों तरफ से और पीडीपी और बीजेपी कोशिशें अगर रंग लाई तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को सरकार मिल जाए, यानी दोनों के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस वक्त दिल्ली में चुनाव चल रहे थे उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने भी एक तरीके से संदेश दे दिया था कि सरकार बनाने सरकार गठन को लेकर जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर कोशिशें तेज की जाएं। बता दें कि जम्मू में बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट हासिल हुआ है, वहीं पीडीपी ने घाटी में एक बड़ा मैंडेट हासिल किया है। दोनों के बीच हालांकि चुनावों से पहले भी कई दौर की बातचीत हुई थी लेकिन पेज एसपीए और साथ ही साथ धारा 370 को लेकर अटके हुए थे क्योंकि दोनों की ही राय इसमें अलग अलग थी और इसी वजह से बातचीत यहीं पर अटकी हुई थी। मॉडल टू दैट इफ दे हैव अर्नड एनफ काइंडली स्टार्ट ट्रांसफरिंग देम बैक एंड काइंडली हैव अ रीनेगोशिएशन ऑन दैट। आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी बिग हर्ड। There were talks that on Armed Forces Special Power Act and West Pakistani refugee issue, there is not that much consensus. How do you think that the two parties are going to take? I can say one thing: there are more areas of convergence now as a result of talks between and informal talks than there are areas of divergence. But have faith in our leadership to skillfully negotiate. So what is PDP's take on Armed Force Special Powers Act, the Common Minimum Program? I would not spell that out in media. We'll discuss that in the structured dialogue and we hope that we'll come out so that will be discussed with a solution. That will be discussed. And so when is this expected, this dialogue to start? As soon as we feel that we have overcome major differences, we'll settle it. But in next few days, it is said that Mukti Mohan Shahid is going to have a meeting with Prime Minister Modi. Nothing is scheduled as yet. Nothing. No meeting is scheduled. सर अभी जिस तरह जो कॉमन प्रोग्राम की बात हो रही है स्ट्रक्चरल डायलॉग शुरू होना है कब से एक्सपेक्टेड है ये जो स्ट्रक्चरल डायलॉग है? अभी वो जो कुछ हमने मुद्दे उठाए हैं उनमें से बहुत सारों पे सहमति बनी हुई है लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे अभी और काम करने की जरूरत है। तो पीडीपी के प्रवक्ता जिनसे बातचीत हो रही थी, अगर हम चुनावी नतीजों की बात करें तो इस वक्त पीडीपी के पास 28 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 25 हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 जीत कर आए थे, कांग्रेस के 12 जीत कर आए थे और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का 1 और इस तरीके से सीपीआई का 1 विधायक जीता और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट का 1। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं और सरकार गठन को लेकर चर्चाएं हालांकि काफी समय से अमिताभ चल रही थी और आपको याद होगा कि जिस वक्त दिल्ली में चुनाव चल रहा था उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा था कि वहां पर चर्चाएं बंद नहीं होनी चाहिए, सरकार गठन को लेकर हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए।
लेकिन मुझे दो चीजें साफ है। पहला कि एक संकेत यह मिला था कि बजट सत्र 23 को शुरू हो रहा है, उसके पहले जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन रोड ब्लॉक्स हैं, गतिरोध हैं, तमाम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद सामने आते हैं तो बीजेपी अपना दावा पेश नहीं करेगी, ये भी साफ हो चुका है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या क्या होगा, कौन से मंत्री किस पार्टी के होंगे, ये भी तय हो चुका है। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दे हैं, जो दो मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार से भी लगे हैं और बीजेपी की विचारधारा से भी लगे हैं, इन दो मुद्दों पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। पहला है धारा 370, दूसरा है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिन पर पीडीपी डेफिनेट एश्योरेंस चाहती है और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा जाए उसमें इस पर स्पष्ट आश्वासन चाहती है केंद्र सरकार से। लेकिन बीजेपी कम से कम धारा 370 पर कोई स्पष्ट आश्वासन देने को तैयार नहीं। बीजेपी इसको हाशिए पर डाल सकती है, भले ही बीजेपी इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे तुरंत आनंद फानन में लागू न किए जाने पर भी सहमत हो सकती है, लेकिन इसको एजेंडे से बाहर नहीं रख सकती। बीजेपी की विचारधारा का मुद्दा है ये। दूसरा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, केंद्र सरकार का यह मानना है कि इसको हटाने से, आनन फानन में हटाने से काफी अराजकता बढ़ सकती है, तो इसको तुरंत हटाना मुश्किल है। और इन्हीं दोनों मुद्दों पर जो जम्मू कश्मीर और पीडीपी के दिल को छूने वाले मुद्दे हैं, यही दोनों मुद्दे बीजेपी के भी दिल को छूने वाले हैं, इसलिए शायद अब तक सहमति नहीं बन पा रही है। बातचीत आखिरी दौर में है। कल भी महबूबा मुफ्ती अमित शाह के बेटे के रिसेप्शन में जो दिल्ली में हुआ था वहां आई थी, प्रधानमंत्री जहां पर बैठे थे जिस वीआईपी इंक्लोजर में वहां बैठी थी उनके साथ, लेकिन अभी अंतिम सहमति इन दो मुद्दों पर नहीं बन पाई जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में होना चाहिए। और अगर इस पर नहीं बनती है तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाकी चीजें चिंता करने वाली बात है। इस पर सहमति बनना सबसे जरूरी है।